पत्ता गोभी के कीड़े निकालने और साफ करने के ये टिप्स आएंगे आपके बहुत ही काम। पत्ता गोभी हेल्दी सब्जी है और इससे आप कई सारे पकवान बना सकते हैं, लेकिन इसे साफ करना एक टास्क हो जाता है। पत्ता गोभी में कई सारी लेयर्स होती हैं। इन लेयर्स में ना सिर्फ गंदगी होती है बल्कि कई सारे कीड़े भी होते हैं। पत्ता गोभी पोषक तत्वों से भरपूर सब्जी है जो सलाद से लेकर स्टिर फ्राई तक कई व्यंजनों में इस्तेमाल की जाती है। पत्ता गोभी के लेयर्स में गंदगी के साथ साथ कीड़े और कीटनाशक के अवशेष भी हो सकते हैं। इसे अच्छी तरह से साफ करके और धोकर खाने की सलाह दी जाती है। बारिश के समय इस सब्जी को खाने की सलाह नहीं दी जाती क्योंकि तब पत्ता गोभी में ज़्यादा कीड़े हो सकते हैं। अगर आप भी घर में पत्ता गोभी लेकर आए हैं तो हम आपको कुछ ऐसे तरीके बताने वाले हैं जिनकी मदद से आप पत्ता गोभी को अच्छी तरह से साफ कर पाएंगे। पहला, नमक के पानी में भिगोएं। नमक के पानी के घोल में पत्ता गोभी को भिगोना कीड़ों को हटाने का सबसे आसान और प्रभावी तरीका है। पत्ता गोभी को चौथाई या बड़े टुकड़ों में काट लें। एक बड़े कटोरे में पानी में लगभग 2 बड़े चम्मच नमक घोलें। फिर पत्ता गोभी को 20 से 30 मिनट के लिए पानी में डुबोएं। नमक कीड़ों को बाहर निकालने के लिए फोर्स करता है जिससे वो पत्ता गोभी को छोड़कर सतह पर तैरने लगते हैं। नमक का घोल सब्जी को नुकसान पहुंचाए बिना पत्तियों के बीच छिपे कीड़ों को हटा देता है। यह किसी तरह की गंदगी या कड़वाहट को भी दूर करता है। दूसरा, सिरका उपयोग करें। एक और प्रभावी तरीका है कि आप गोभी को सिरके के घोल में भिगोएं। एक भाग सिरका लेकर उसे 3 भाग पानी के साथ मिलाएं और गोभी के टुकड़ों को लगभग 15 से 20 मिनट तक भिगो कर रखें। यह विधि न केवल कीड़ों को हटाने में मदद करती है बल्कि बैक्टीरिया को भी मारती है और कीटनाशक अवशेषों को बेअसर करती है। सिरके की एसिडिटी एक शक्तिशाली प्राकृतिक कीटाणु नाशक है। यह गंदगी को ढीला करता है, कीटाणुओं को मारता है और गोभी के पत्तों से कीड़ों को बाहर निकालता है। तीसरा, बहते पानी के नीचे धोएं। आप नमक या सिरके का इस्तेमाल करें चाहे ना करें, लेकिन पत्ता गोभी को पानी में धोना बहुत आवश्यक है। एक बार जब आप गोभी को खारे पानी या सिरके के घोल में भिगो देते हैं तो इसे बहते पानी के नीचे अच्छी तरह से धोना जरूरी है। पत्ता गोभी जमीन में उगती है जिससे उसमें मिट्टी चिपकी रह सकती है। इसके लिए पत्ता गोभी को साफ करने के लिए 4-5 बार पानी से धोना जरूरी है। चौथा, बाहरी पत्तियों को छीलें। गोभी की सबसे बाहरी पत्तियां अक्सर सबसे गंदी होती हैं और कीटों से सबसे ज़्यादा प्रभावित होती हैं, इसलिए सफाई करने से पहले उन्हें हटा देना एक अच्छा तरीका है। बस बाहरी पत्तियों की 2-3 परतों को छीलकर फेंक दें। इन परतों में अक्सर ज़्यादा गंदगी, कीटनाशक के अवशेष या कीड़े होते हैं। बाहरी पत्तियों को हटाकर आप गोभी के उस हिस्से को हटा रहे हैं जो गंदगी, कीड़ों और रसायनों के संपर्क में सबसे ज़्यादा आता है, जिससे अंदरूनी परतों की ज़्यादा सफाई की ज़रूरत कम हो जाती है। पांचवा, गोभी को ब्लांच करें। अगर आप भिगोने और धोने के बाद भी छिपे हुए कीड़ों या बैक्टीरिया के बारे में चिंतित हैं तो ब्लांच करना एक अन्य तरीका है जो गोभी को साफ कर सकता है। एक बड़े बर्तन में पानी उबालें और गोभी के टुकड़ों को 1-2 मिनट के लिए ब्लांच करें। यह प्रक्रिया बचे हुए कीड़े या बैक्टीरिया को मारने में मदद करती है और परतों के बीच फंसी किसी भी जिद्दी गंदगी को
ढीला करती है। ब्लांच करने के बाद गोभी को तुरंत ठंडे पानी में डालें ताकि यह ज़्यादा ना पके। ब्लांच करने का मतलब है कि पत्ता गोभी को गर्म पानी में कुछ देर पकाना, जिससे बैक्टीरिया मर जाते हैं। छठा, पत्तियों के बीच अच्छी तरह सफाई करें। गोभी के पत्ते कसकर पैक्ड होते हैं, जिससे छोटे कीड़ों के लिए सब्जी के अंदर छिपना आसान हो जाता है। भिगोने और धोने के बाद परतों को मैनुअल रूप से अलग करने और किसी भी कीड़े, गंदगी या अवशेषों की जांच करने के लिए समय निकालें। सब्जी को पकाते वक्त बैक्टीरिया मर सकते हैं, लेकिन आप पत्ता गोभी को सलाद के रूप में कच्चा सर्व कर रहे हैं तो यह कदम ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। ध्यान रखें कि एक भी कीड़ा या गंदगी पत्ता गोभी पर ना हो। सातवां, वेजिटेबल सैनिटाइजर का उपयोग करें। आप सब्जी की सफाई के लिए स्टोर से खरीदे गए वेजिटेबल सैनिटाइजर का उपयोग कर सकते हैं, जो अधिकांश किराने की दुकानों में उपलब्ध हो जाता है। यह सैनिटाइजर फलों और सब्जियों से हानिकारक अवशेषों, बैक्टीरिया और कीड़ों को हटाने के लिए बनाए गए हैं। इन प्रोडक्ट्स पर दिए गए निर्देशों का पालन करें, जिसमें आमतौर पर इसे पानी में घोलना और गोभी को कुछ मिनटों के लिए भिगोना शामिल होता है। सब्जी साफ करने के लिए बनाए गए सैनिटाइजर गंदगी को प्रभावी ढंग से हटाने में मदद करते हैं। पत्ता गोभी को लाकर उसे पानी में एक बार धोना काफी नहीं है, उसे अच्छी तरह से साफ करके पकाना जरूरी है। आप किस तरह से सब्जियों को साफ करते हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो दोस्तों, वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो, वीडियो से थोड़ी सी भी हेल्प मिली हो, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और अपने फैमिली फ्रेंड के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें, ताकि वीडियो सभी के लिए हेल्पफुल हो सके। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, साथ ही बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे मेरी अगली आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। Bye friends, thanks for watching my video.